नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है शिक्षा के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं बेटा अध्याय 25 की, राजस्थान जनसंख्या एवं जनजातियाँ। जनसंख्या संबंधी जो हमने विषयों में पढ़ा था उसमें राजस्थान संबंधी हमने कुछ बातें पढ़ी थी, उन्हीं बातों का सबसे पहले हम जिक्र करेंगे। तो शुरुआत करते हैं राजस्थान की विशेषता से संबंधित कि राजस्थान की जो जनसंख्या है उसकी विशेषता क्या है। इसमें हम पढ़ेंगे कि राजस्थान का कौन सा स्थान है जनसंख्या में और कौन सा स्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से, कितना घनत्व है, कितनी वृद्धि हुई है, कुल जनसंख्या कितनी है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं जनसंख्या की विशेषता की। तो सबसे पहले विशेषता की हम बात करें तो पहला पॉइंट हमारा आता है कि भारत में राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से प्रथम तथा जनसंख्या की दृष्टि से आठवां स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से प्रथम और जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा है, आठवां है, याद रह जाएगा। दूसरे पॉइंट पे हम आते हैं तो राजस्थान में भारत के कुल क्षेत्रफल का भारत का कुल क्षेत्रफल है उसमें से राजस्थान का कितना भाग है। तो राजस्थान के भाग की बात करें तो कितना है, 10.41% भाग है। किसकी दृष्टि से देखा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा है। और जनसंख्या का भाग अगर हम बात करें तो कुल जनसंख्या का कितना भाग पाया जाता है, कुल जनसंख्या का 5.66 भाग पाया जाता है। कितना भाग पाया जाता है जनसंख्या का, तो 5.66, और कुल क्षेत्रफल का कितना है, इतना है, ये प्रतिशत में है बेटा। तो याद रखना, अगर पूछ लिया जाए कि भारत के कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग राजस्थान में है, तो कुल जनसंख्या बोला है तो मैंने कुल जनसंख्या का बताना है कितना है, 5.66%। अगर कुल क्षेत्रफल का पूछा जाता है तो आपको कितना बताना है, 10.41%। दो पॉइंटों के बाद तीसरे की अगर हम बात करें तो तीसरा जो हमारा पॉइंट आता है वो आता है घनत्व का। किसका आता है, घनत्व। तो देखो बेटा, 2011 के अनुसार ₹200 प्रति वर्ग किलोमीटर घनत्व था। किसके अनुसार, 2011 के अनुसार। बात किसकी कर रहे हैं बेटा, राजस्थान की। तो जितने भी पॉइंट हैं किससे संबंधित हैं, राजस्थान से संबंधित है। घनत्व कितना है, 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। अब हम बात करें कि इसमें जो दशकीय वृद्धि हुई थी वो कितनी थी, इसकी बात करेंगे। दशकीय वृद्धि यानी 2001 से लेकर 2011 तक के जो जनसंख्या में वृद्धि हुई थी वो कितनी हुई थी, 1 से 2000
11 की 10 के वर्दी कितनी थी? 21.31 कितनी थी? 21.31 प्रतिशत रही थी। तो 2001 से लेके 11 तक यानी 10 वर्षों में कितनी वृद्धि हुई थी? तो वृद्धि बतानी है कितनी हुई थी, 21.31 प्रतिशत से वृद्धि रही थी। अब जनसंख्या वृद्धि में अगर हम बात करें तो राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि कहाँ हुई थी? राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि एक तो हो जाएगा बेटा सर्वाधिक, एक हो जाएगा सबसे कम यानी न्यूनतम, सबसे कम जनसंख्या वृद्धि। तो इसमें दो जिलों को याद करना है, यानी सर्वाधिक पे तो कौन सा है और सबसे कम पे कौन सा है। तो सर्वाधिक में कौन सा आता है? बाड़मेर। और सबसे कम में आता है गंगानगर। तो सर्वाधिक में कौन सा है? बाड़मेर। बाड़मेर में कितनी थी? 32.50%। और सबसे कम किसकी आती है? गंगानगर। गंगानगर की कितनी थी? 10%। अगर क्वेश्चन में आता है कि राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर कौन से जिले की रही थी 2011 के अनुसार अगर हम बात करें, तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि दर रही थी बाड़मेर की 32.50%। और न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर की बात करें तो कौन से ज़िले की रही थी? गंगानगर की कितनी रही थी? 10% रही थी। अगली विशेषता आती है जनसंख्या के वितरण में अत्यधिक असमानता पाई जाती है। ध्यान देना, आगे भी पॉइंट आएगा। जनसंख्या वितरण में असमानता पाई जाती है। राजस्थान की जो जनसंख्या है उसके वितरण संबंधी अगर हम बात करें तो राजस्थान में जनसंख्या का वितरण है वो किस रूप में है बेटा? असमानता है, यानी असमान रूप से जनसंख्या वितरण है। अब बात करते हैं लिंगानुपात की। किसकी बात करेंगे? लिंगानुपात की। तो राजस्थान में लिंगानुपात कितना है? लिंगानुपात कितना है? 928 है क्या? 928 है। और कहीं कहीं हमें क्या मिलता है? 927 भी मिलता है। और भारत में कितना था? 940। और कहीं कहीं हमें क्या देखने को मिलता है? 41 है। तो ये आंकड़े कच्चे और पक्के के अनुसार है बेटा, कंफ्यूज मत होना। लिंगानुपात के बाद हम बात करें तो इसमें आता है कि राजस्थान में साक्षरता का प्रतिशत कितना है। किसकी बात करेंगे? साक्षरता की। तो राजस्थान में जो साक्षरता है वो कितनी है? 67.06%। यानी कितने लोग पढ़े लिखे हैं? 67.06% जो लोग हैं वो पढ़े हुए हैं। सबसे ज़्यादा की बात करें तो कोटा सबसे कम आता है जालौर, इसी में देख लो। सर्वाधिक कोटा और कम जालौर। सर्वाधिक किसकी है? कोटा की है। और सबसे कम किसकी बताई गई है? जालौर की। कोटा की कितनी है? 76.60। और इसकी कितनी है? 54.90।
ठीक है। तो अब देखो क्वेश्चन अगर आ जाए कि राजस्थान जनसंख्या की विशेषता बताइए, तब आपको क्या बताना है? सबसे पहले तो हमें ये लिखना है कि भारत में राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान आता है? प्रथम स्थान है। कौन सा स्थान है? प्रथम। तथा जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो राजस्थान का कौन सा स्थान होगा? आठवां स्थान होगा। फिर बात करें कि राजस्थान है वो भारत का कुल कितना प्रतिशत क्षेत्रफल का हिस्सा है, यानी कितना प्रतिशत भाग है भारत का, वो कितना है? 10.41%। फिर कुल जनसंख्या का कितना भाग, ये तो बात हो गई क्षेत्रफल की, अब जनसंख्या की बात करें तो जनसंख्या का कितना भाग है? 5.66%। कितना है? 5.66%। फिर बात करते हैं 2011 के अनुसार यहाँ का घनत्व कितना है, तो घनत्व की बात करते हैं तो प्रति वर्ग किलोमीटर में कितने व्यक्ति यहाँ पे निवास करते हैं? 200 व्यक्ति निवास करते हैं। फिर 2001 से लेकर 2011 तक यानी जो दशकीय वृद्धि दर है वो कितनी रही थी, तो कितनी थी? 21.31% थी। कितनी थी? 21.31%। फिर बात करते हैं राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर कौन से जिले में रही थी और सबसे कम कौन से में रही थी, तो सर्वाधिक की बात आती है तो आपको बताना है बाड़मेर, और सबसे कम की बात या न्यूनतम की बात आती है तो गंगानगर। आगे प्रतिशत भी लिखा है, बाड़मेर में 32.50 और जो गंगानगर है उसकी कितनी है? 10% है। फिर अगला जो पॉइंट दिया है कि जनसंख्या वितरण, कि राजस्थान में जनसंख्या वितरण को बताइए, तो जनसंख्या वितरण में हमें एक ही पंक्ति देखने को मिलती है कि राजस्थान में जो जनसंख्या वितरण है वो असमानता यानी असमान रूप से पाया जाता है। फिर लिंगानुपात की बात करें तो लिंगानुपात कितना है? 928, और कहीं कहीं हमें 927 भी मिलता है, लेकिन 928 याद रखना। फिर साक्षरता की बात आती है, तो साक्षरता में अगर हम देखें तो राजस्थान की साक्षरता दर कितनी है? 67.06% है। कितनी है? 67.06% है। और सबसे ज़्यादा की बात करें तो कोटा में, और सबसे कम की बात करें तो जालौर में है। ये तो बात हो गई बेटा विशेषता की। आगे हम बात करेंगे जनसंख्या का वितरण, तो सभी पॉइंट हमें वापस देखने को मिलेंगे आगे। तो जनसंख्या वितरण अभी पढ़ा था, कैसा पाया जाता है? असमान रूप से पाया जाता है। तो देखो जनसंख्या का वितरण, तो राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ पे है? अरावली पर्वतमाला के खनिज उपलब्धता क्षेत्र और उपजाई क्षेत्रों में पाई जाती है। तो कहने का अर्थ क्या है, सर्वाधिक जनसंख्या राजस्थान में कहाँ पाई जाती है? सर्वाधिक जनसंख्या तो कहाँ पे पाई जाती है? अरावली पर्वतमाला तथा उपजाऊ क्षेत्रों में। जो ये अरावली पर्वतमाला है वहां पे कहाँ पाई जाती है, तो जहां पे ज्यादा खनिज की मात्रा है वहीं पे जनसंख्या हमें ज्यादा देखने को मिलती है। अब इसी में एक पॉइंट और आता है बेटा, जनसंख्या का वितरण है, इसमें दो पॉइंट हैं, एक पॉइंट तो हमने पीछे देख लिया, दूसरा पॉइंट इसी में आ जाता है, सर्वाधिक जनसंख्या अरावली पर्वतमाला तथा उपजाऊ क्षेत्रों में। अब बात करें पश्चिमी राजस्थान की, पश्चिमी राजस्थान में अगर देखा जाए तो पश्चिमी राजस्थान में जनसंख्या का जो वितरण है जनसंख्या का वितरण सर्वाधिक
जल स्रोतों के निकट पाया जाता है। तो जनसंख्या वितरण अगर पूछा जाता है कि राजस्थान का जनसंख्या वितरण बताइए, तो उसमें सबसे पहले तो पंक्ति हमें क्या लिखनी है कि राजस्थान में जनसंख्या का वितरण असमान रूप से है, तथा राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या अरावली पर्वतमाला तथा उपजाऊ क्षेत्रों में पाई जाती है। इसके अलावा राजस्थान का जो पश्चिमी हिस्सा है यानी पश्चिमी राजस्थान में जनसंख्या का जो वितरण है वो सर्वाधिक कहाँ पर है, जहाँ पर जल स्रोत उपलब्ध हैं यानी जहाँ पर पर्याप्त मात्रा में जल मिलता है वहाँ पर जनसंख्या का जो भाग है वो क्या पाया जाता है, अधिक पाया जाता है। अब आगे हम देखेंगे जनसंख्या वृद्धि दर। तो जनसंख्या वृद्धि दर में हमने पीछे क्या देखा था, कितने प्रतिशत जनसंख्या वृद्धि दर हुई थी, दशकीय वृद्धि दर आई थी बेटा याद है तो कितनी थी, 21.31% थी। इसमें देखो जनसंख्या वृद्धि दर, जनसंख्या वृद्धि दर तो जनसंख्या वृद्धि दर की अगर हम बात करें तो सबसे पहले यही है कि जनसंख्या वृद्धि दर कहते किसे हैं, तो किसी दो समय अवधि बिंदुओं में किसी स्थान विशेष पर बढ़ने वाली जनसंख्या के प्रतिशत में व्यक्त करना ही क्या कहलाता है, जनसंख्या वृद्धि दर कहलाती है। यानी दो बिंदुओं पे जैसे 2001 से लेकर 2011 इन दो समय अवधियों में किसी स्थान विशेष यानी कोई स्थान विशेष है किसी स्थान विशेष पर बढ़ने वाली जनसंख्या का प्रतिशत यानी किसी विशेष स्थान पर जनसंख्या का अगर प्रतिशत बढ़ता है दो समय अवधि के दौरान वही क्या कहलाता है, जनसंख्या वृद्धि दर कहलाता है। और जनसंख्या वृद्धि दर को किसमें व्यक्त किया जाता है, प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है, किसमें व्यक्त किया जाता है, प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है। याद रह जाएगा कि जनसंख्या वृद्धि दर किसे कहते हैं, तो क्या बताना है, किसी दो समय अवधि में किसी एक विशेष स्थान यानी स्थान विशेष में होने वाली या फिर बढ़ने वाली जनसंख्या को प्रतिशत में व्यक्त करना ही क्या कहलाता है, जनसंख्या वृद्धि दर कहलाता है। आगे हम बात करें बेटा तो आगे आता है कि राजस्थान में जो जनसंख्या वृद्धि दर है उसको समय अवधि बिंदुओं के अनुसार कितने भागों में हम बांट सकते हैं, तो भागों की बात आती है, समय अवधि के अनुसार वर्गीकरण की बात आती है, तो सबसे पहले जो वर्गीकरण है वो है धीमा जनसंख्या वृद्धि काल। धीमा जनसंख्या वृद्धि काल विश्व की जनसंख्या में भी ऐसा क्वेश्चन था और भारत की जनसंख्या में भी इस प्रकार का क्वेश्चन था, तो तीनों को हमने अच्छे तरीके से पढ़ा था विश्व में, तो एक बार पुनः देख लेते हैं। धीमा जनसंख्या वृद्धि काल है वो राजस्थान में कब से कब रहा था, 1901 से लेकर 1941 तक रहा था, याद रखना 1901 से लेकर 1941 तक रहा था। इसमें क्या हुआ था कि इस अवधि में अकाल, महामारी, स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव के कारण जनसंख्या धीमी गति से वृद्धि हुई थी। किसके कारण जनसंख्या में धीमा जनसंख्या यानी धीमी, तो वो कारण बताना है अकाल महामारी, अकाल महामारी, स्वास्थ्य सुविधाएं, में कमी के कारण इस अवधि में जो जनसंख्या की वृद्धि हुई थी वो कैसी रही थी, धीमी रही थी। अब आता है मध्यम जनसंख्या वृद्धि काल,
कौन सा आता है? मध्यम। मध्यम जनसंख्या वृद्धि का ये कब से कब था? 1941 से लेकर 1971 तक था। कब से कब? 1941 से लेकर 1971 तक था। इसमें क्या हुआ था? इसमें जो हमारी जनसंख्या है उस जनसंख्या की जो दर देखेंगे हम, वो किस गति से थी? मध्य गति से थी। किस गति से थी? मध्य गति से थी। यानी इस अवधि में जो सिंचित क्षेत्र के विस्तार, योजनाबद्ध आर्थिक विकास, स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार आदि के कारण मध्य गति में जनसंख्या में क्या हुई थी? वृद्धि हुई थी। इस काल में जन्म दर की तुलना में मृत्यु दर ज्यादा घटी। जन्म दर की तुलना में, ध्यान देना, जन्म दर की तुलना में मृत्यु दर ज्यादा घटी। एक तो ये कारण हो गया, जन्म दर की तुलना में मृत्यु दर ज्यादा घटी, यानी मृत्यु दर में क्या आई थी? कमी आई थी। किसकी तुलना में? जन्म दर की तुलना में। इसलिए भी थोड़ी गति बढ़ी थी। इस काल में जनसंख्या वृद्धि दर क्या रही थी? मध्यम रही थी। ये चीज हम पहले भी देख चुके हैं। अगला पॉइंट आता है बेटा इसमें, तीव्र जनसंख्या वृद्धि काल। तीव्र जनसंख्या वृद्धि काल, यह कौन सा काल था? 1971 के बाद का, यानी 1971 के बाद जनसंख्या में तीव्र गति से क्या होने लगी थी? वृद्धि होने लगी थी। क्यों? क्योंकि जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो कहाँ तक पहुँचने लगी थी? गांव तक पहुँचने लगी थी। कहाँ तक है? गांव तक है पहुँचने लगी। आर्थिक विकास के कारण मृत्यु दर तो तेजी से घट गई, पर बाल विवाह, सामाजिक पिछड़ापन, अंधविश्वास आदि कारणों से जन्म दर उतनी तेजी से नहीं घटी। अब देखो इसमें भी एक कारण है, मृत्यु दर क्या रहा था? ज़्यादा घटा था। यानी मृत्यु दर में क्या आ गई थी? कमी। क्यों आ गई थी? वो कारण क्या है कि जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं, यानी जो स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए, उनकी पहुंच कहां तक हो गई थी? गांव तक हो गई थी। इसीलिए जो मृत्यु दर है उसमें क्या आने लगी? कमी आने लगी। और यही एक कारण है कि उस समय यानी 71 के बाद जो जनसंख्या में वृद्धि हुई थी वो गति क्या हो गई थी? तेज गति हो गई थी। तो जनसंख्या वृद्धि की अगर हम बात करें तो कितने भागों में या फिर इसके वर्गीकरण संबंधी बात करें तो समय अवधि के अनुसार इसका वर्गीकरण है वो कितने भागों में किया है? तीन भागों में किया है। पहला भाग आता है धीमा जनसंख्या वृद्धि काल 1901 से लेकर 1941 तक। दूसरा आता है मध्य जनसंख्या वृद्धि काल 1941 से लेकर 1971 तक। और लास्ट में क्या आता है? तीव्र यानी ज्यादा तीव्र जनसंख्या वृद्धि काल है वो 1971 के बाद प्रारंभ हो गया था। अब आगे हम बात करेंगे कि राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर 26% से अधिक कहाँ पे रही थी? तो सर्वाधिक वृद्धि दर देखा था हमने, कहाँ रही थी? बाड़मेर में। उसके अलावा जैसलमेर, जोधपुर, बांसवाड़ा, जयपुर तथा जालौर में रही। और सबसे कम जनसंख्या वृद्धि काल की बात करें यानी सर्वाधिक वृद्धि कितनी प्रतिशत? 26। सर्वाधिक कितनी थी? 26%। और सबसे कम की बात करें तो 16% से कम कहाँ रहे थे? तो गंगानगर, झुंझुनू, पाली व बूंदी जिलों में रही थी। कहाँ कहाँ रही थी? गंगानगर, झुंझुनू, पाली व बूंदी में। यानी इनमें आपको जिलों के नाम देखने हैं। दो पॉइंट बने हैं कि राजस्थान में जो जनसंख्या वृद्धि दर है वो 26% या 26% से अधिक कहाँ रही थी, और 16% से कम जनसंख्या वृद्धि दर है वो कौन कौन से जिलों में रही थी। सर्वाधिक बाड़मेर है और सबसे कम कहाँ पे है? गंगानगर में है। तो ये हो गया हमारा जनसंख्या
वृद्धि दर। तो जनसंख्या वृद्धि दर से संबंधित कोई राजस्थान से क्वेश्चन आता है तो आपको इतना ही पॉइंट याद रखना है। आगे हम बात करते हैं बेटा जनसंख्या घनत्व की। किसकी बात करेंगे? जनसंख्या घनत्व की बात करेंगे। तो जनसंख्या घनत्व में देखें तो जनसंख्या घनत्व को कितने भागों में बांटा गया है, सबसे पहले तो यही बात करेंगे। तो भागों की बात करें तो बेटा कितने भागों में बांटा जा सकता है? इसको 5 भागों में बांटा गया है। तो अच्छे तरीके से इसको देखना है और ये मानचित्र की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। जनसंख्या घनत्व है, इसके क्या बात करेंगे? भाग, कितने भागों में इसको बांटा गया है। एक तरफ तो लिखेंगे हम घनत्व व्यक्ति वर्ग किलोमीटर यानी प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर, और एक तरफ देखेंगे जिलों की संख्या यानी कितने जिले इसके अंतर्गत आते हैं और कौन कौन से जिले इसमें शामिल किए गए हैं। घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर और इधर किसकी बात करेंगे? जिले यानी जिलों की संख्या, और लास्ट में कौन कौन से जिले यानी किन जिलों को इसमें शामिल किया गया है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? सर्वाधिक यानी 400 से अधिक। सर्वाधिक यानी 400 से अधिक। दूसरा आता है 300 से 400। कितने से कितने? 300 से 400। फिर 200 से 300। ये 100 से 200 और नीचे आ जाएगा न्यूनतम। न्यूनतम घनत्व कहाँ है? अब संख्या की बात करें, सबसे पहले जो 400 से अधिक है इसमें कितने जिलों की संख्या है वो शामिल की गई है? इसमें की गई है 4 की। 300 से 400 तक कितने हैं? 7। 200 से 300 तक कितने हैं? 7। और 100 से 200 तक कितने हैं? 12। अब संख्या जोड़ दो कितनी हो गई? 14, 12, 26, 26 से 4, 30। अब कितने बच गए? जो बाकी बच गए वो किस में आ जाएंगे? न्यूनतम में आ जाएंगे। अब सर्वाधिक वृद्धि कहाँ पे रही थी यानी कौन कौन से जिले हैं, तो इसमें आपको बताना है जयपुर, भरतपुर, दौसा, अलवर। जयपुर, भरतपुर, दौसा, अलवर, ये तो बात आ गई किसकी? सर्वाधिक की। अब सबसे कम की बात करें तो सबसे कम कहाँ रही थी? तो सबसे कम रही थी बीकानेर, बाड़मेर और जैसलमेर। बीकानेर, बाड़मेर और जैसलमेर, तो ये दो पॉइंट तो आपको अच्छे तरीके से याद रखने ही होंगे कि सर्वाधिक घनत्व कहाँ पे है और सबसे कम घनत्व कहाँ पे है। अब बीच की पॉइंट की बात करते हैं तो बीच में देखना है हमें कि 300 से 400 तक कौन कौन से जिले हैं। जिलों की संख्या तो हमने कितने लिख ली? 7। लेकिन हैं कौन कौन से? तो इसमें धौलपुर, बांसवाड़ा, कोटा। धौलपुर, बांसवाड़ा, कोटा, धौलपुर, बांसवाड़ा, कोटा, एक आपका सिक्कर।
चार हो गए, अब बच गए कितने? तीन। तीन कौन कौन से हैं? डूंगरपुर, झुंझुनू, अजमेर। कौन कौन से हैं? डूंगरपुर, झुंझुनू, अजमेर। डूंगरपुर, झुंझुनू, अब बात करते हैं 200 से 300। तो 200 से 300 तक कौन कौन से आते हैं? तो देखो इसमें भी सात हैं, एक तो सवाई माधोपुर, सिरोही, कौन सा है? सिरोही। इसके अलावा भीलवाड़ा, सवाई माधोपुर, सिरोही, भीलवाड़ा। भीलवाड़ा के अलावा आता है बेटा आपका उदयपुर, करौली, उदयपुर, करौली, झालावाड़ और राजसमंद। कौन सा आता है? राजसमंद। हो गए सात। अब जो बाकी बच गए उनको किसमें शामिल किया गया है? 100 से 200 तक, यानी शेष। तो शेष बच गए वो सभी के सभी किसमें शामिल हैं? 100 से 200 तक। तो जनसंख्या घनत्व को हमने किस रूप में देखा है? भाग के रूप में देखा है। किस रूप में? भाग के रूप में। तो भाग के रूप में हमने देखा पांच भागों में, क्रम संख्या लगा के देख लो चाहे कितने हैं, एक, दो, तीन, चार, पांच। तो सबसे पहला जो घनत्व का भाग आता है वो आता है 400 से अधिक। 400 से अधिक की बात करें तो कितने जिलों को शामिल किया है? चार जिलों को शामिल किया गया है, जयपुर है, भरतपुर है, दौसा है और अलवर है। 400 से अधिक कितने हैं? चार। फिर 300 से 400 के मध्य की बात करें तो कितने जिलों को शामिल किया है? सात जिलों को शामिल किया है, धौलपुर है, बांसवाड़ा, कोटा, सीकर, अजमेर, डूंगरपुर और झुंझुनू। 200 से 300 के मध्य की अगर हम बात करें कि 200 से 300 घनत्व वाले कितने जिले हैं? सात हैं, सवाई माधोपुर है, सिरोही है, भीलवाड़ा, उदयपुर, करौली, झालावाड़ और राजसमंद। फिर 100 से 200 तक यानी 100 से लेके 200 तक जो घनत्व है वो कौन कौन से जिलों में है? तो संख्या हमने कितनी लिखी है बेटा इसमें? 12 लिखी है। तो 12 में किनको शामिल कर सकते हैं? टोंक, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, बूंदी, नागौर, हनुमानगढ़, गंगानगर, बारा, जालौर, पाली, जोधपुर और चूरू। और लास्ट हमारा आता है न्यूनतम। न्यूनतम में कितने को शामिल किए हैं? तीन को शामिल किया है, बीकानेर, बाड़मेर और जैसलमेर। किनको? बीकानेर, बाड़मेर और जैसलमेर। अब हम बात करते हैं कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ पे है। जनसंख्या घनत्व की बात करें तो सर्वाधिक कहाँ पे पाया जाता है? ध्यान से देखो सर्वाधिक। तो सर्वाधिक में सबसे पहले जो नाम आया है वही है। तो सर्वाधिक कहाँ पे है? जयपुर में। सर्वाधिक कहाँ पे है? जयपुर में। कितना है? 595 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। कितना है? 595। और सबसे कम की बात करें तो सबसे कम, सबसे लास्ट में क्या नाम लिखा है? जैसलमेर। जैसलमेर में कितने हैं? 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हैं। कितने हैं? 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में हैं। तो पुनः देख लो, राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ का हमें देखने को मिलता है? तो उसमें बताना है जयपुर का। कितना है? 595। और बात की जाए 2011 की जनगणना के आधार पर राजस्थान में सबसे कम जनसंख्या घनत्व है कौन से जिले में है, वो बताना है कौन से जिले में है? जैसलमेर में है। और कितने व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है? 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। तो एक तो याद रखना 17 सबसे कम और सर्वाधिक जयपुर 595। इसी के साथ हमारा जनसंख्या संबंधी जो टॉपिक था वो क्या होता है? पूर्ण होता है। आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।